एक लाख मंत्र जिसमें से 80,000 मंत्र है कर्मकांड के, 16,000 मंत्र है उपासना कांड के और 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड के। कितने हो गए? 1,00,000। 1,00,000। तीन कांड है मेरे में, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। इसमें जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, ये भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। उप समीपे आसनम उपासनम, भगवान के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, जिसमें वेदांत, जो वेदांत है उपनिषद है, जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, ये 100 प्रकार के उपनिषद में भगवान की 100 पत्नियां हैं। कितने हो गए? 16,100। अब कितने बचे? 8। 8 बचे। तो 8 क्या है? तो गीता जी में एक श्लोक आता है, भूमि रागो नलो वायु हम मनो बुद्धिरे वचो अहंकारम इतिम यमते भिन्ना प्रकृति रष्टधाः। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं, है ना? जीव और ईश्वर में अंतर क्या है बताओ? जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? बोले जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, और प्रकृति को जो वश में रखता है वो ईश्वर है। तो परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं है, बल्कि प्रकृति उनके वश में है। तो 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये भगवान की 8 पटरानियां, 100 प्रकार के उपनिषद, ये भगवान की 100 पत्नियां, और 16,000 उपासना कांड के जो वेद मंत्र है, ये भी भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। कुल मिलाकर के 16,108 भगवान की ये पत्नियां, ये इनका संपूर्ण भाव है, आदरणीय है। श्री कृष्ण रुक्मिणी से इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये तो समस्त पत्नियां रूठते रहती हैं, और रूठने में सबसे पहला स्थान है सत्यभामा का। किसका है? सत्यभामा। हाँ, जो स्त्री अपने मायके से बहुत ज्यादा दहेज लेकर के आए ना, उसके नाज नखरे कुछ और ही होते हैं। तो सत्यभामा जो है ना, वो शमयंतक मणि लाई है दहेज में। क्या लाई है? शमयंतक मणि। ये समझ लीजिए, द्वारिका के खजाने में 80% शेयर केवल और केवल सत्यभामा का है बस। इसलिए ज्यादा रूठती है, बारी बारी रूठती रहती है, रूठने में इनका पहला स्थान। भगवान आज सोच रहे हैं, रुक्मणी को हमने कभी रूठते हुए नहीं देखा, कभी क्रोध में नहीं देखा। ऐसी कोई बात करते हैं आज जिससे कि रुक्मणी जी क्रोधित हो जाए, देखे तो सही कि मेरी रुक्मणी क्रोध में कैसी दिखती है, कैसी लगती है। अब बताओ, ये भी कोई कहने वाली बात है? सोचने के लिए भगवान के मन में आ गई, और भगवान अपने कक्ष में शांत बैठे विराजमान है। रुक्मणी जी आई, भगवान उदास बैठे, और रुक्मणी जी जब आई तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास दिख रहे हैं। बोले, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है रुक्मणी। नहीं नहीं, कुछ तो उदास दिख रहे हैं आप, परेशान दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं। क्या हुआ? कोई अपराध हुआ मुझसे? कोई गलती हुई क्या? ऐसे उदास तो आपको कहीं कभी नहीं देखा ना। बोले, कुछ नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई तो बात जरूर है, सुनो, हमसे कोई गलती, कोई अपराध हो गया क्या? भगवान बोले, एक गलती हो तो बताऊं, तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते हो। तो बोले, बताओ तो सही, क्या गलती की मैंने? तो भगवान रुक्मणी से कह रहे हैं कि राजपुत्रिप्सिता भूपै लोक मार्ग विभूति महानुभावे श्रीमद् श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी
सबसे पहली गलती क्या की तुमने जानते हो? तुमने सबसे पहली गलती ये की कि मुझसे विवाह कर लिया, ये तुम्हारी सबसे पहली गलती। अरे बड़े बड़े राजकुमार तुम्हें पत्नी रूप में चाहते, उन राजकुमारों को छोड़कर के तुमने इस ग्वालिये से विवाह कर लिया, बताओ। अच्छा विवाह तो किया पर तुम्हें क्या मिला बोलो? भगवान ने चेहरा देखा, बोले अभी भी गुस्सा नहीं आया? तो बोले रुक्मणी तुम कहोगे कि विवाह बिल्कुल नहीं करती इसलिए कर लिया कि तुम बड़ी भारी वीर हो। बोले यहां भी गड़बड़ है, राजव्योगे कृतः शत्रु समुद्रम शरणम गतान बलवद्भि कृतद्वेषान प्रायस्तक्तनृपासनम। यहां भी गड़बड़ है, मेरे जैसा डरपोक तो संसार में कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े राजाओं के भाई से एक मैं समुद्र की शरण में रहता हूं, समुद्र के बीच में रहता हूं, ऐसे डरपोक व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया, बताओ क्या मिला? रुक्मणी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा तुम कहोगी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। यहां भी गड़बड़ है, कोई कहता देवकी नंदन है, कोई कहता यशोदा नंदन है, कोई कहता है ना देवकी का ना यशोदा का, पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ जिसके माता पिता का पता नहीं ऐसे व्यक्ति से तुमने ब्याह कर लिया, क्या मिला बताओ? भगवान ने देखा कि अभी भी क्रोध नहीं आया, फिर भगवान कहने लगे तुम कहोगी कि विवाह बिल्कुल नहीं करती इसलिए कर ले कि आप बड़े सुंदर हो। बोले काहे का सुंदर? मेरा नाम तो वैसे भी कलुआ है, मैं तो बचपन से काला हूं और जब से कालीनाग से युद्ध किया तब से और ज्यादा काला हो गया, ऐसे काले से तुमने विवाह कर लिया बताओ? राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं और हमारे साले साहब की भी हमसे ज्यादा नहीं बनती है, वो भी उखड़े उखड़े रहते हैं, ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया बताओ? इतनी बातें कहने पर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया बोले तुम कहोगे कि विवाह बिल्कुल नहीं करती इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई बहुत सुनी है हमने। बोले हमारी बड़ाई कौन करता है? जिसके पास खाने को भोजन नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो बिगमंगे फक्कड़ महात्मा हमारा भजन करते हैं, गुण गाते हैं और ऐसे फक्कड़ संतों की बातों में आकर के तुमने हमको पति बना लिया बताओ? और तो कुछ काम धंधा है नहीं इसका, इनका बस नारायण 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 गाते रहते हैं, ऐसे संतों की बातों में आकर के तुमने हमको अपना पति बना लिया, कुछ मिला तुम्हें? तो मालूम फिर भगवान क्या बोले? बोले देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ गया नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो शिशुपाल से हम बात करेंगे तुम्हारी और कल ही तुम्हारे हाथ पीले करके भेज देंगे। इतनी बात कहने पर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया और रुक्मिणी क्या हुआ, रुक्मिणी मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, इतना सुन कर गया। आजकल एक हुई बेलन रामगढ़ है लेकिन ये रुक्मिणी है, इतना कहने के बाद भी इनको क्रोध नहीं आया, मूर्छित पड़ गई रुक्मिणी। भगवान ने सोचा, मैंने तो सोचा दो चार खरी खोटी सुनाएंगे हमको, पर ये तो मूर्छित हो गई। तो भगवान ने चार हाथ धारण कर लिए, दो हाथों से रुक्मिणी को हिलाया उठाया, एक हाथ से पसीना पूछ रहे हैं और एक हाथ से पंखा जल रहे हैं। और जब एक घंटे बाद रुक्मिणी को होश आया तो गोविंद बोले कि मामा बे घर बस हुए था जाने तदवचः श्रोतु कामेनो सेव्या चरितम। बुरा नहीं मानना, बचपन से थोड़ा उत्तंदी स्वभाव का, थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूं इसलिए कुछ अटपटी बात कहती। वो क्या है ना देवी, कभी हमने क्रोध नहीं देखा आपके चेहरे में इसलिए कुछ अटपटी बात कहती। इतनी बातें सुनकर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा, मन में कोई विचार नहीं करना, परंतु रुक्मिणी ने भगवान की बातों का जो जवाब दिया है उसका एक एक शब्द जो है सुवर्ण जड़ित है महाराज।
रुक्मणी ने कहा, आपने गलत कुछ भी नहीं कहा प्रभु, आपने जो कहा सब सही कहा। आपने यही कहा ना कि मेरा और तुम्हारा मेल क्या है, बिल्कुल सही कहा। वास्तव में मेरा और तुम्हारा मेल है कहां, कहां मैं प्रकृति से आबाद एक नारी और कहां आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। मेरा आपका मेल ही कहां है, वो तो आपने कृपा करी और मुझे अपना पत्नी बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरी बार आपने ये भी कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं तुमने विवाह क्यों किया। रुक्मणी बोली, मैं पूछती हूं आपसे कि जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर केवल आप हैं, क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं भला? और यूं आप दुनिया को माता पिता बनाते फिरो तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। और तीसरी बात आपने कही कि समुद्र में रहता हूं मैं, सभी के भाई से, मैं बड़े बड़े राजाओं के भाई से समुद्र में वास करता हूं, मैं डरपोक हूं। तो रुक्मणी बोली कि सत्यम भयाधिवगुणेभ्यगुरु क्रमांतः सेते समुद्रोपलम्भनमात्र आत्मा योगिने आप कहोगे भैया मैं तो सन्यासी हूं, तो सन्यासी मैं क्यों नहीं हो गया? आप कहोगे महाराज मैं तो वैरागी हूं, तो ये वैराग्य आपने सीखा कहां से? तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि संति में गुरुवो राजन बहवो युद्धपाश्रिता यतो बुद्धिमुपानाय मुक्तोटामीहताश्रम। राजन बोले, परीक्षित, तुमने 7 दिन पहले एक ऋषि के गले में मारा हुआ सर रहा। सुखदेव जी वहां से चले गए, सुखदेव जी का पूजन इत्यादि किया परीक्षित ने और सुखदेव जी चले गए। इसके बाद परीक्षित की सुरक्षा की बड़ी तैयारियां की गई है, लेकिन तक्षक नाम का सर्प आया और परीक्षित को डस दिया और परीक्षित की मृत्यु हो गई, परीक्षित का मोक्ष हो गया। परीक्षित की दो की मृत्यु हो चुकी थी, केवल श्राप को पूर्ण करने के लिए उनके शरीर को तक्षक को श्रवण किया और मुक्त हुए। उसके बाद जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने बीच में रोका, बेटा ये भगवान के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है। फिर भागवत जी में मार्कंडेय मुनि इत्यादि का चरित्र है, उसमें भगवान ने मार्कंडेय मुनि को माया का प्रलय दिखाया और फिर बाद में शंकर जी ने उनको भक्ति का वरदान दिया। और इतना कहकर के इसीलिए दोनों हाथ
शुभ अवसर पर मैं यहाँ पर आए हुए तमाम गणमान्य बंधुओं का, जिनमें हमारे संरक्षक श्री विक्रम सिंह जी है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साहित्यकार और कवित्री महादेवी वर्मा ने यामा की रचना करी थी, जिन्हें ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था। उस रामगढ़ की इस धरती में, इस घाटी में, इस आध्यात्म की गंगा को प्रवाहित करने वाले हमारे व्यास गति पर विराजमान देवभूमि उत्तराखंड के सिरमौर कथावाचक परम श्रद्धेय श्री मनोज कृष्ण जोशी जी,